बाबा रामदेव का कहना है कि आज जिन लोगों को CAA का पूरा अर्थ ही नहीं पता है, वे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विद्यार्थी जिन्ना वाले आजादी की बात कहने लगे हैं, जो ठीक नहीं है। बाबा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के सामने कहा कि यह देश डिवोशन से आगे बढ़ेगा। सोमवार को यहां मीडिया से बातचीत में बाबा रामदेव ने कहा कि इंदौर कई दृष्टि से ऐतिहासिक है। उद्योग की बात की जाए तो रुचि सोया खाद्य तेल में मामले में सबसे अग्रणी कंपनी इंदौर की है। अपना पंछी तोड़ गया इनका, देश का माल लेकर के उसका जो इनकी चिड़िया है। इन कोलगेट वालों से पूछो, पूछो इन हिंदुस्तान लीवर वालों ने कितना लीवर खराब किया इन्होंने देश का। हमने तो 10,000 करोड़ रुपए हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में और डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज में खर्च की। पूरे देश में हमने योग का जन आंदोलन खड़ा किया, करोड़ों लोगों के जीवन में हमने बदलाव लाया और आगे 1,00,000 करोड़ की चैरिटी का पतंजलि का लक्ष्य। तो हम तो एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। रुचि सोया को पतंजलि ने उसे दिवालिया होने से बचा लिया। सहारा परिवार ने मेहनत कर उसे खड़ा किया। उन्होंने कहा कि 5 दशक जिस कंपनी के हो गए उसने कीर्तिमान बनाया। बाबा बोले कि 36,00,000 टन ऑयल प्रोडक्शन के साथ रुचि सोया कंपनी नंबर 1 है। 7 से 10 करोड़ लोग रुचि सोया का तेल खाते हैं, पर कुछ तकलीफ आई। कंपनी के साथ लाखों लोग जुड़े थे, उस भरोसे को टूटने नहीं दिया। हम 5,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च कर रहे हैं। यह केवल व्यापार के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए और चैरिटी के लिए कर रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए की चैरिटी हम कर चुके हैं और आगे 1,00,000 की चैरिटी करेंगे। बाबा रामदेव ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि खाद्य तेल में भारत आत्मनिर्भर हो।